मित्रों इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका से स्वागत है भीम इस श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इसव्य श्रृंखला में करीबन बीस मिनट का एक ऐसे कुल मिला के चौपन एपिसोड शामिल है इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार उनका कार्य उनकी फलसूफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों इसके पूर्व चरण में चरण 43 थ्री त्रियालीसवें चरण में हमने चर्चा शुरू की थी पहला मसौदा भारतीय संविधान का पहला मसौदा जो संविधान सभा को पेश किया गया था उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने विचार जो सामने रखे थे उसकी चर्चा हमने शुरू की थी तो उस चरण में आधी बात हो गई जहां तक संविधान के प्रस्तावित संविधान की विशेषताएं इनका वर्णन इनका जिक्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूर्व चरण में किया था अब इस चरण में उस प्रस्तावित संविधान के पहले मसौदे को उसके बारे में जो आलोचकों ने कहा जो आलोचना हो गई उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब कैसा जवाब देते हैं वो हम इस एपिसोड में इस चरण में देखने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं और मैं उन्हें उदृत कर रहा हूं मैंने भारतीय प्रस्तावित भारतीय संघराज की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की है अब भारतीय संविधान का जो पहला मसौदा पेश किया गया था उसकी जो आलोचना की गई उस आलोचना के बारे में मैं भी बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं पहला मुद्दा जो आलोचना का था वो ये था मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उद्धृत कर रहा हूं। ऐसे कहा जाता है कि संविधान जो है उसमें नया कुछ भी नहीं है इसका आधा जो हिस्सा है वो भारत सरकार का 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 उसमें से लिया है और बाकी जो है वो दूसरे देशों के संविधानों से उठाया गया है मसूदा बनाने की जो समिति थी ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसका योगदान तो बहुत ही सीमित है ऐसा कहा गया है उसका जवाब देते वक्त डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कि ऐसे सवाल किया जा सकता है कि दुनिया के इतिहास में इस पल जो भी संविधान का निर्माण होगा क्या उसमें कुछ नया हो सकता है उन्होंने कहा कि पहला लिखित संविधान बनके तो सौ बरस से ज्यादा बरस हो गए हैं और उसका अनुकरण करके कई देशों ने अपने अपने संविधान बना लिए हैं संविधान की व्याप्ति क्या होनी चाहिए इसके बारे में बहुत पहले से ही निर्णय हो चुका है संविधान की मूल तत्व क्या होने चाहिए इसके बारे में भी दुनिया भर में एक वाक्यता एक वाक्यता हो गई है इस पृष्ठभूमि पर सारे जो प्रमुख संविधान है संविधानों में जो सारे प्रमुख प्रावधान है उनमें एक जैसापन निश्चित रूप से दिखाई देने ही वाला है अगर आज जिसकी निर्मित हो रही है उस संविधान को उस संविधान में कुछ नया करना है कुछ नया करना है तो वो इतना ही कर सकते हैं कि पुराने संविधान में जो दोष थे उसको दूर करने के लिए उसमें बदलाव का सुझाव देना और देश की आवश्यकता के अनुरूप नई बातें उसमें कामिल करना बस इतना ही काम ये हम कर सकते हैं तो मेरा ये कहना है कि जो लोग निपक्षपाती होंगे और जो लोग निपक्षपाती होकर समीक्षा करेंगे वो बिल्कुल ये मान्य कर सकते हैं कि मसूदा समिति ने अपना कर्तव्य करते हुए किसी का भी अंधानुकरण किसी देश के संविधान का अंधानुकरण नहीं किया है आगे चलकर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ़ 1935 ये जो कायदा है उसमें से बहुत सारा हिस्सा मसौदा संविधान में है इस आरोप के बारे में मैं बिल्कुल माफी नहीं चाहता हूं क्योंकि अच्छी बातों को स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं है और वो प्लेजियरिज्म भी नहीं है क्योंकि संविधान की जो मूलभूत संकल्पना है उस पर किसी का भी बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं होता है आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारत सरकार कायदा 1935 सौ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें से जो प्रावधान लिए गए हैं मसौदा संविधान में वो बहुतांश प्रशासन के डिटेल्स के बारे में प्रशासन के बारे में है और इस मामले में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं कि लोकतांत्रिक संविधान के शांततापूर्ण अमल के लिए घटनात्मक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी की उसके प्रसार की जरूरत होती है यह सब लोग जानते हैं मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर जाने माने इतिहासकार कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहासकार ग्रोट इनको कोट करते हैं और कहते हैं कि इतिहासकार ग्रोट का कहना है कि जिस जगह पर जिस देश में लोगों में घटनात्मक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने जड़ पकड़ ली है ऐसी जगह पर प्रशासकीय जो डिटेल्स है उसको संविधान से निकाल के वो जिम्मेदारी विधान मंडल पर कायदे मंडल पर सौंपी जा सकती है सवाल यह है कि ऐसी घटनात्मक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इसने हमारे लोगों के दिल में जड़ पकड़ ली है घटनात्मक नैतिकता ये नैसर्गिक भावना नहीं है उसको बढ़ावा देना पड़ता है उसको संभालना पड़ता है और अभी तक हमारे लोगों में वो निर्माण नहीं हो गई है ये मान लेना चाहिए ऐसी स्थिति में प्रशासकीय यंत्रणा का निर्माण करने के लिए सूचना देने के लिए विधिमंडल पर विश्वास रखना ये उचित नहीं हो सकता है संविधान मसौदे में उसका समावेश करने के पीछे ये हमारी भावना है दूसरी आलोचना जो की गई उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं मसौदा संविधान पर किया गया दूसरा आरोप यह है इसके कोई हिस्से में प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रतिबिंब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा ऐसे कहा गया है कि भारतीय संविधान की निर्मित प्राचीन हिंदू राज्य व्यवस्थे को उसका अनुकरण करके होनी चाहिए थी और कई लोग ऐसे हैं उन्होंने एकदम अत्यंतिक स्वरूप की भूमिका ली है उन्हें कोई भी केंद्रीय सरकार नहीं चाहिए उन्हें कोई भी प्रांतिक सरकार नहीं चाहिए उन्हें हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा ग्राम सरकार चाहिए इस बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं इस उनको उनका कहना है और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं इस ग्राम राज्यों की वजह से भारत का विनाश हो गया है ये मैं मेरा मानना है प्रांतवाद और जातीयवाद का निषेध करने वाले ग्राम सरकार का पुरस्कार करने के लिए आगे आ रहे हैं इसका मुझे बहुत ताजुब होता है आखिर ग्राम क्या है केवल स्थानिकता का ठहरा हुआ दलदल अज्ञान की गुफा संकुचित मनोवृत्ति और जातीयवाद मसूदा संविधान ग्राम को नाकारता है और व्यक्ति को घटक मानता है इसके लिए मुझे खुशी है आगे चलकर जो तीसरी बड़ी आलोचना की गई उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं और मैं उनको फिर से उद्धृत कर रहा हूँ अल्पसंख्यकों के लिए जो सहूलियत के प्रावधान निर्माण किए गए हैं उसको लेकर मसौदा समिति पर कड़ी आलोचना की गई है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं मेरी राय में अल्पसंख्याकों को सहूलियत देने का संविधान सभा ने जो निर्णय लिया था जो यहाँ पर कृति में लाया गया है वो सही है इसके बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है इस देश में अल्पसंख्यांक और बहुसंख्यक ये दोनों ने गलत मार्ग का अनुकरण किया है अल्पसंख्याकों का अस्तित्व नाकारना ये बहुसंख्यांक जो है उनकी गलती है और अल्पसंख्यांक लोगों ने अपना अल्पसंख्यत्व उसको चिरस्थाई करने का जो प्रयास हो रहा है वो भी उतना ही गलत है दोनों तरफ से हेतु साध्य हो सकते हैं ऐसा कोई उपाय ढूंढने की आज आवश्यकता है और उसकी शुरुआत इस रूप में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मान्य करना चाहिए और ऐसा भी प्रयत्न होना चाहिए कि जिस वजह से एक दिन अल्पसंख्यांक और बहुसंख्यांक ये दोनों एक न एक दिन एक जान हो जाएंगे ये दोनों एक हो जाएंगे ऐसा भी प्रयास करना होगा जिसकी वजह से बहुसंख्यांक और अल्पसंख्यांक एक ना एक दिन ये दोनों को एक होना मुमकिन होगा संविधान सभा ने जो प्रस्ताव दिए हैं उनकी वजह से ये हेतु साध्य होने के दिशा में एक कदम उठाया गया है आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं धर्मांधता की भावना बढ़ाकर अल्पसंख्यकों के जो उनको छूट दी गई है उनको जो सहूलियत दी गई है उनका विरोध करने वाले लोगों को मैं दो बातें बता सकता हूं दो बातें मैं बताना चाहता हूं पहली बात यह है कि अल्पसंख्याक का एक स्फोटक शक्ति है जिसका अगर विस्फोट हो गया तो उसमें पूरी राज्य व्यवस्था उध्वस्त हो सकती है यूरोप का इतिहास जो है वो इस प्रकार के भरपूर और भयानक वास्तववादी घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है दूसरी बात यह है कि भारत के जो अल्पसंख्यक है उन्होंने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथ में देना देना मान लिया है ये जो बहुसंख्यांकता जो है वो मूलतः राजनीतिक नहीं है वो मूलतः जातीयवादी है कम्युनल है ऐसे जातीयवादी बहुसंख्यांकों का राज्य अल्पसंख्यांकों ने निष्ठापूर्वक उसका स्वीकार किया है और इसीलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव नहीं करना ये हमारा कर्तव्य है इसकी पहचान बहुसंख्यों को रखनी चाहिए अल्पसंख्यांकत्व, टिके रहना या तो घुल मिल जाना ये बहुसंख्यांक लोग जो है उनके बर्ताव पर निर्भर रहेगा अल्पसंख्यांकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यांक, जिस क्षण को छोड़ देंगे उसी क्षण को अल्पसंख्याकों को अस्तित्व में रहने का कोई भी कारण नहीं बचेगा और वो पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे आलोचना का चौथा मुद्दा जो उठाया गया है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं और मैं इनको उद्धृत कर रहा हूं मसौदा संविधान में मूलभूत हकों से मूलभूत जो हक है उनके बारे में जो बहुत ज्यादा आलोचना हो गई है ऐसे कहा गया है कि मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करने वाला जो प्रावधान है उस प्रावधान में उसकी वजह से उसमें इतने सारे अपवाद है कि उसकी वजह से सारे मूलभूत अधिकारों को हड़प किया गया है इसके बारे में काफी धिक्कार किया गया है और कहा भी गया है कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में जो मूलभूत अधिकार है वो वास्तव है क्योंकि उन्हें उन पर कोई भी मर्यादा नहीं है उनका कोई अपवाद भी नहीं है इसका जवाब देते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं मूलभूत अधिकार पर जो आलोचना की गई है यह पूरी तरह से गलत फहमी पर आधारित है इस बात का मुझे बहुत खेद होता है मूलभूत अधिकार ये अनिर्बंध होते हैं और मूलभूत जो अधिकार नहीं है वो अनिर्बंध नहीं होते हैं ऐसे कहा नहीं जा सकता दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो मूलभूत अधिकार है वो अनिर्बंध है ऐसे मानना बिल्कुल गलत है इस बात पर सोदाहरण स्पष्टीकरण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया और कहा कि अमेरिका में मूलभूत अधिकार अनिर्बंध है और हमारे मसूदा संविधान में वो वैसे नहीं है ऐसे मानना पूरी तरह से गलत है डॉक्टर तो तो बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि मसूदा संविधान में मूलभूत अधिकारों के पीछे ही मार्गदर्शक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका भी प्रावधान किया गया है और संसदीय लोकतंत्र के लिए जिस संविधान का निर्माण हो गया है उसके लिए एक ये नई बात है और बहुत महत्वपूर्ण नई बात है आलोचना का जो पांचवा मुद्दा है उसकी तरफ मुड़ते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं और मैं उनको उदृत कर रहा हूं कुछ आलोचक ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बहुत ही बलशाली हो गया है और कुछ और लोग कह रहे हैं कि उसको और भी बलशाली होना चाहिए मेरा यह मानना है कि संविधान मसूदा संविधान ने सुवर्ण मध्य लेने की कोशिश की है केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए आप चाहे जितना भी विरोध करिए फिर भी केंद्र को शक्तिशाली होने से आप रोक नहीं सकते हैं आधुनिक जगत में ऐसी स्थिति आ गई है कि सत्ता का केंद्रीकरण होना यह अनिवार्य है कोई चाहे कितना भी प्रयास करे केंद्र सरकार को शक्तिशाली होने से कोई रोक नहीं सकता दूसरी तरफ केंद्र को अधिक शक्तिशाली होने की जो प्रवृत्ति है उसका हमें विरोध करना चाहिए दूसरी तरफ केंद्र को अधिक शक्तिशाली होने की जो प्रवृत्ति है उसका हमें विरोध करना चाहिए यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कि जितना हजम हो सकता है हजम करने की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा खाना नहीं चाहिए आलोचना का जो छठा मुद्दा है उस पर आते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं मसौदा संविधान पर ऐसी आलोचना की गई है कि केंद्र और राज्य इनका जो घटनात्मक संबंध है उसके लिए एक प्रकार का प्रावधान और केंद्र सरकार और संस्थान इनमें जो घटनात्मक संबंध है उसके लिए अलग प्रकार का प्रावधान किया गया है यहां तक कि हर एक संस्थान को स्वतंत्रता दी गई है कि घटना परिषद निर्माण करके अपना खुद का संविधान बनाने की सुविधा उन्हें दी गई है ये बहुत ही दुर्दैवी है और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही असमर्थनीय है ये भेदभाव देश के कार्य क्षमता को बड़ी हानि पहुंचा सकता है बहुत धोखादायक सिद्ध हो सकता है भेदभाव जब तक कायम रहेगा तब तक केंद्रीय सत्ता अखिल भारतीय स्तर पर जो विषय है उसके मामले में उनकी जो परिणामकारकता है वो खो बैठेगा क्योंकि सारे विषयों के बारे में और सारे क्षेत्र में अगर सत्ता का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको सत्ता ही नहीं कहना चाहिए युद्ध की स्थिति अगर निर्माण हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक अधिकारों के इस्तेमाल करने पर अगर मर्यादा आती है तो पूरे देश का जीवन ये संकट में आ सकता है इससे अधिक गंभीर बात यह है कि मसूदा संविधान में भारतीय संस्थानों को अपना सैन्य दल खड़ा करने की सुविधा भी दी गई है मुझे लगता है यह प्रावधान बहुत ही धोखादायक और देश को पीछे ले जाने वाला है भारत का विघटन करने के लिए और केंद्र शासन को पदभ्रष्ट करने के लिए यह कारणीभूत हो सकता है दुर्दैव की बात यह है कि इसमें कुछ भी सुधार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था सातवां मुद्दा जो आलोचना का था उसके बारे में डॉक्टर तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं कुछ आलोचकों ने मसौदा संविधान में जो पहला अनुच्छेद है जिसमें भारत का वर्णन यूनियन ऑफ स्टेट्स ऐसे किया है इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऐसी शब्द रचना होनी चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मसूदा समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि भारत फेडरेशन होने वाला है फिर भी वो राज्यों के आपस में जो करार पैक्ट हो गए हैं उसकी परिणति के रूप में ये फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया है और इसीलिए किसी भी राज्य को उसमें से बाहर निकलने का कोई भी अधिकार नहीं है हमारा फेडरेशन ये यूनियन है और इसी कारण से वो अविध्वंसनीय है प्रशासन के सहूलियत के लिए देश और लोगों की विविध राज्यों में उनका बंटवारा किया गया होगा फिर भी देश पूर्णतः एक संघ है एक ही स्रोत से निर्माण हुआ ये एक सार्वभौम राज्य जिसके आधिपत्य के नीचे रहने वाले लोग जो है वो एक ही लोग है अमेरिकन फेडरेशन ये अविध्वंसनीय है और कोई भी राज्य को उसमें से बाहर जाने का अधिकार नहीं है यह सिद्ध करने के लिए अमेरिकन लोगों को सिविल वॉर करना पड़ा था मसौदा समिति ने यह विचार किया कि किसी भी तर्क पर किसी पर विवाद पर यह बात सौंपने के बजाय शुरू से ही इसका स्पष्ट रूप से इसको नोट किया जाना चाहिए आठवें आलोचना के मुद्दे के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं और उनको मैं उद्धृत कर रहा हूं संविधान की दुरुस्त के बारे में अमेंडमेंट के बारे में जो प्रावधान है उसके ऊपर समीक्षकों ने बहुत कड़वी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि मसौदे में जो प्रावधान है उसकी वजह से घटना दुरुस्ती घटना राज्य घटना का अमेंडमेंट करना यह बहुत कठिन होने वाला है कुछ वर्ष के लिए ही सही लेकिन सीधे बहुमत से संविधान में अमेंडमेंट करने की सुविधा होनी चाहिए ये जो युक्तिवाद है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते ये बड़ा चतुर और खतरनाक युक्तिवाद है ऐसे भी कहा गया है संविधान सभा जो है वो प्रौढ़ मतदान पद्धति से चुनाव उसका नहीं हुआ है दूसरी तरफ भविष्य में जो संसद रहेगी वो प्रौढ़ मतदान पद्धति से चुनाव उसके होंगे फिर भी संविधान सभा जो है उसको सादे बहुमत से संविधान मंजूर करने का अधिकार दिया गया है और दूसरी तरफ भविष्य में जो संसद रहेगी उसके लिए नाकारा गया है ये मसौदा संविधान में विसंगति है ऐसे खुलेआम कहा जा रहा है इस आरोप का गंभीर आरोप का मुझे खंडन करना ही चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी कहते हैं कि इस संविधान को निर्माण करते समय संविधान का दृष्टिकोण जो है वो पक्षीय दृष्टिकोण नहीं है किसी दल का दृष्टिकोण नहीं है एक उत्कृष्ट और कार्यकारी संविधान निर्माण करने के आगे हमारा कोई भी और स्वार्थी हेतु नहीं है संविधान में जो अनुच्छेद है उनका विचार करते वक्त कोई विशिष्ट मापदंड का इस्तेमाल करने की हमारी दृष्टि नहीं थी भविष्य में अगर संसद जो है वो संविधान का रूप धारण कर लेती है तो उसके सदस्य जो रहेंगे वो पक्षीय दृष्टिकोण अपने दल का दृष्टिकोण उसको स्वीकार करेंगे और दल के जो कार्यक्रम होंगे उन पर अमल करने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान आपत्तिजनक है उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारी संविधान सभा के सामने ऐसा कोई भी हेतु नहीं है संविधान सभा और भावी संसद तो होती है कि संविधान सभा जो है वो सीमित मतदान पद्धति के माध्यम से उसका चुनाव हो गया होगा फिर भी सादे बहुमत से संविधान पारित करने के लिए वो विश्वास पात्र है और दूसरी तरफ संसद प्रौढ़ मतदान पद्धति के आधार पर चुनाव होकर वो अगर अस्तित्व में आती है फिर भी घटनात्मक दुरुस्ती के लिए संविधान दुरुस्ती के लिए वैसा ही अधिकार उनको देना इसके लिए वो विश्वास पात्र नहीं है मसौदा समिति ने ये जो संविधान बनाया है मसौदा बनाया है ये शुरुआत के रूप में इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है मेरी राय में वो व्यवहार्य है लचीला है और देश को शांति और युद्धजन्य ये दोनों दोनों स्थिति में एक संघ रखने की क्षमता रखता है मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर नए संविधान के अंतर्गत कुछ बुरी बातें हो गई तो उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि संविधान बुरा है उसका मतलब सिर्फ यही रह सकता है कि आदमी दुष्ट था ये कहकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपनी बात को विराम दिया और कहा कि महोदय मैं संविधान सादर करता हूं मित्रों अपने इस सत्र को मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं और जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये भीम भाष्य ये पॉडकास्ट सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए उसे शेयर कीजिए उसे सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे जल्द ही धन्यवाद नमस्कार